सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। बिगेस्ट फूड तो हो गया, व्हाट अबाउट स्मॉलेस्ट फूड? हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड टुडे आई विल बी ट्राइंग स्मॉलेस्ट फूड। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, रेगुलर साइज का खाना तो सारी दुनिया बनाती है, बट चैलेंज तो यही है ना, बड़े साइज को खाने को छोटा छोटा बनवाना है। तो पता है मैंने क्या करा है? देखो गाइज, मैं अपने घर से छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी प्लेट लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज अपना खाना खाऊंगी। तो चलो अभी मेहनत करते हैं और अपने खाने को बड़े से छोटा बनाते हैं। पता मैं कहाँ आई हूँ? आ जाओ, ये देखो, ये मैं आई हूँ मामा के पराठा सेंटर में। गाइज, ये मेरे मामा की दुकान नहीं है, यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पे। और पता करें वापस, अब कितने के पराठे हो गए? आलू का पराठा कितने का? 20 रुपए का दो पराठे, रिफाइंड में, बटर में 30 रुपए का दो पराठे। अच्छा, 20 रुपए में बड़े सारे दो पराठे देते गाइस। अच्छा भैया, वो एक आज मेरा चैलेंज चल रहा है, तो मुझे वो बड़े पराठे नहीं खाने, मेरे को ये छोटे छोटे पराठे बना दोगे? पराठे नहीं बने। अरे भैया बना दो ना, ऐसा क्या है? पराठे कैसे बनाएंगे? वो छोटी छोटी लोई ले लो, बना दो, उसमें क्या है? नहीं बनेंगे, आलू निकल जाएंगे। अरे गाइस, आलू पराठे में से आलू ही बाहर आ गया तो पराठा किस काम का? नहीं, यही तो मेहनत है भैया। वो छोटी छोटी लोई ले लो, इतनी नन्नी नन्नी लोई ले लेना, और आलू लेकिन ज्यादा भरना प्लीज, ऐसे कर दो। करोगे क्या? बना दोगे? क्या बात है भैया, मान गए, इतनी जल्दी मान गए, मजा आ गया भैया। अच्छा ये बताओ, बड़े पराठे तो 20 रुपए में देते हो, छोटे पराठे कितने में दोगे? 30 रुपए का। क्या 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 क्या, छोटे पराठे में तो माल कम लगेगा ना? स्टॉपिंग में त्राए रहेंगे, 20 रुपए का दो ही आएंगे। नहीं, छोटा पराठा कितने में दोगे? 20 रुपए का दो। 20 रुपए का दोगे? अभी तो 30 बोला, कभी 20 बोल रहा, पांच में ही दे। बटर में 30 का दे। बटर में 30 का? अरे रे रे, अच्छा भैया चलो, पैसे की तो आज कोई बात नहीं, पैसे का चैलेंज नहीं है आज, तो स्मॉलेस्ट फूड चैलेंज है। तो आप मेरे को बना दो जरा दो चार छोटे छोटे पराठे। आलू को भरना भैया, आलू में कमी नहीं रहनी चाहिए कोई भी। मोटा कद्दू जैसा तो नहीं बनेगा? सही बनेगा। अरे भैया, ये आलू की कचौड़ी नहीं, आलू का पराठा चाहिए। भैया ने तो लगता आलू की कचौड़ी बना दी। अब इसको एकदम कड़क सेक देना। So guys, ये आ गया मेरा सबसे पहला स्मॉलेस्ट फूड। देखो, ये मेरे छोटे नन्नू से आलू के पराठे। एंड पता है भैया ने देखो कितना इसके ऊपर मक्खन डाला, ये देखो मक्खन उड़े चला जा रहा है। अभी तक तो आंचल ही उड़ता था, आज मक्खन उड़ रहा है। वैसे ये बनाए तो एकदम छोटे नन्नी मुन्ने से ना, देखो मेरे फेस के हिसाब से कितने छोटे है ये। पता है आज मैं पूरा दिन भूखी रहने वाली हूँ, इतना छोटा छोटा खाना जो खाना है, ये तो लगता है एक बाइट में ही खत्म हो जाएगा। सो गाइस, अब थोड़ा थोड़ा खाना खाया है सुबह से, बट अब मेरा ना टिक्के सिक्के खाने का मन हो रहा है, तो मुझे पनीर टिक्के खिलाओगे आप? भाई देखिए, आज मेरा चैलेंज चल रहा है स्मॉलेस्ट फूड चैलेंज, तो आज आप मुझे जो पनीर टिक्के बनाओगे ना, वो पता है किस में बनाओगे? ये देखिए गाइस, ये है मेरी लोहे की नहीं, ये है मेरी गाइस लकड़ी की सलाखे, जो कि टूथपिक है, जिससे हम टुक टुक करके पनीर खाते हैं। बट आज आपको मेरा पनीर टिक्का इसमें बनाना पड़ेगा। बताओ कैसे बनाओगे? छोटा छोटा पनीर बन जाएगा? अगर आपने मेरी सलाखे गिराई या जलाई तो फिर ठीक नहीं होगा। ये मेरी लकड़ी की सलाखे है, बताओ। सलाखे तो हम जलाने थोड़ी बहुत जलाएंगे हम लोग, थोड़ी बहुत जलाओगे? तो ऐसा करो, मैं घर से 4 ही सलाखे लेकर आई हूँ, तो 2 आप ले लो, ऐसा एक करो। तो मिल जाएगी आपको इसमें से। नहीं, दो स्टिक तो चाहिए मुझे पनीर टिक्के की, मैं भूखी रह जाऊंगी ना फिर। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है, छोटू छोटू, क्या पनीर एक ही लगाओगे बस? बहुत है। अरे पनीर ही तो ज्यादा लगाने थे, ये क्या कर रहा है? डंडी तो हमारी छोटी है। अब दूसरी स्टिक में हमारे कम से कम 2 पनीर तो आने चाहिए भैया। अब असली एग्जाम पता क्या है, ये तंदूर के अंदर इसको सेकेंगे कैसे? ये देखो तंदूर बड़ा गरम सा है गाइस, ये देखो स्टाइल देखो इनका, इस पे सेकेंगे मेरे पनीर के टिक्के। चले लगा दीजिए, जलने नहीं चाहिए, देखो मेरे भाई कोशिश करेंगे जले ना। अच्छा, देखिए कितने छोटे छोटे पनीर टिक्के हैं। पता है इनको देख कैसे लग रहा है कि ये तो मुझे लगता नहीं है मेरा पेट वेट भरेगा। चलो आप भी शेयर ही कर लो, फुल पेट हो जाएगा आपका। इससे फुल पेट हो जाएगा। उन्होंने एक ही पनीर दिया, एक ही दिया, हम 2 लेंगे। भूख लग रही ना मुझे, मैं सुबह से भूखी टहल रही हूँ। चले भाई, अब आप खा के बताओ कैसे बनाया आपने। हम्म,
गजब के बनाए हैं। मत ये वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, मुझे करने दो ना तारीफ। सही में तो छोटा पनीर टिक्का मेरे को पहली बार अच्छा लगा है। बस सीरियसली बोलूं, इतना सॉफ्ट एकदम मक्खन जैसा पनीर है ना, तुझे छा गए सदा जी, तुझे छा गए। सो गाइस, अब बारी है एक ऐसी चीज खाने की जो मुझे कम क्वांटिटी में खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो वो शेयर करना भी पसंद नहीं है, बट अब क्या करूँ, आज चैलेंज लिया है ना तो थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी में खाओगी। जानते हो क्या, ये देखो गाइस, यहाँ पे मैं खाने वाली हूँ मेरी फेवरेट मैगी। भैया मैगी है कितने की है? हाँ जी 50 रुपीज़ की। तो वो किस में बनाओगे आप मैगी? पानी की मैगी पैन में बनाओगे? नहीं नहीं, पानी वाली मैगी। पानी वाली मतलब एकदम सूखी ड्राई, नहीं उबालोगे तो पानी में ना, उबली रखी तो नहीं है भैया? तो पैन कहाँ है आपका? अंदर है, दिखाओ, निकाल के दिखाओ कौन सा पैन है, दिखाओ दिखाओ मुझे। अरे इन्होंने तो पैन ही छुपा के रखा है, वो तो फ्राई पैन में मैगी बनाऊंगा। देखिए गाइस, ये है इनका पैन जिसमें ये मैगी बनाते हैं, पर मुझे पता है कौन से पैन में चाहिए। ये हमारे पास हमारा पैन है छोटा नन्नू सा। देखिए देखिए डिफरेंस देख रहे हैं, हमारा स्मॉलेस्ट फूड चैलेंज, और हम चैलेंज करें इसमें हमें छोटा छोटा खाना खाना है, स्मॉलेस्ट फूड चैलेंज का पैन, और ये एकदम बड़ा वाला पैन, तो हमको इसमें मत बनाना आज, आप अपनी मैगी हमारे पैन में बना देना। ये देखिए गाइस, ये पूरी मैगी है जो ये ऑलरेडी, और सॉरी गिर गए भैया, ये भैया ने ऑलरेडी तोड़ के रखी है, तो ऐसा करो ये आप खा लेना मेरी तरफ से, मैं इतनी खा लूँ। ये देखिए मैं इतनी सी खाऊंगी जो मेरे पैन में जाएगी गाइस। मेरा पैन में गर्म हो गया क्या मैगी? हुई बाबा, ये तो बड़ा गर्म गर्म सो रहा है, थोड़ी और डाल दो भैया, मैगी तो थोड़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, ये तो बहुत, हाँ बस इतना। सो गाइस, माय स्मॉलेस्ट मैगी इज रेडी। देखो देखो ये देख रहे हो कितनी सी मैगी भैया ने बनाई हुई, देखिए भैया। अरे भैया आपने तो हमारा बर्तन ही जला दिया, ये क्या करा? हाँ? अरे मम्मी जी मुझे बहुत डांटेगी, मुझे मेरा पूरा बर्तन जला के राख कर दिया भैया ने। चलो कोई बात नहीं, आप तो हंस रहे हो, घर जाके तो मुझे रोना पड़ेगा, आपको क्या पता। गाइस अब इसको खाने के लिए भी ना, ये देखिए मेरे पास है एकदम छोटी छोटी सी स्पून। ये पता मुझे क्या लग रहा है, इतनी कम मैगी तो गाइस मैंने आज तक कभी भी नहीं खाई है। हाँ, पहली बार खानी पड़ेगी इतनी सी मैगी मुझे। ये देखो हाय मैगी देखती ना ऐसे ऐसे मुँह में पानी आ जाता है ना। यार भैया बनाई बड़ी गजब की आपने, सच्ची, थैंक यू सो मच। सो गाइस ये देखिए, यहाँ पे मिल रहे थे इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे चना जोर गरम, और भेल पूरी पर आप तो जानते हैं ना, मुझे तो आज एकदम छोटा छोटा खाना खाना है। आइए भैया से पूछते हमें छोटी सी भेल पूरी बना के देंगे कि नहीं। आ जाओ आ जाओ भैया, कैसी दी है भेलपुड़ी? 50 रुपीज़। जैसे तो ये जो एकदम टावर जैसे मीनार जैसे ऊंचे ऊंचे ये आपने दिए, इसमें भी देते हो क्या भेलपुरी? वैसे आप डिस्प्ले है, इसमें भी दे देते हैं, कोई दिक्कत? ये डिस्प्ले में भी दे देते हो क्या? सच्ची सच्ची दे देते हो? नहीं गाइस, 50 रुपए में आपको इतनी बड़ी बांसुरी मिलेगी, इसके अंदर आपको चढ़ा जो वगैरह भेलपुड़ी मिलेगी। बट हमारा चैलेंज चल रहा है, हमें इतनी बड़ी कागज में भेलपुरी नहीं खानी भैया, हमको इतने से में भेलपुरी खानी है। मिलेगा मिलेगा, मिला दोगे? सॉरी सॉरी बना दोगे? कैसे? ये पहले हमें छोटा कागज बना के दिखाओ, आप कैसे बनाओगे छोटा कागज? इतना सा एकदम इतना सा भैया। ये देखो भैया मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्या बात है, सच्ची सच्ची बना लेंगे और ही तो। ओए हाय, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा अच्छा बना दिया भैया आपने, क्या बात है। चलिए अब इसमें हमको भेलपूरी बना के दे दीजिएगा। एक मिनट आप इसमें मुझे सारी नमकीनें डाल के दोगे? और एक और चीज़ जो मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, पता है क्या? ये देखो गाय, एकदम छोटा छोटा नन्ना सा मैंगो लाई हूँ, और ये अमिया मत समझ लेना, इसके अंदर देखना एकदम पीला पीला मैंगो निकलेगा भैया। ये मैंगो देखो देखो हमारे मैंगो की भी तो तारीफ कर दो थोड़ी सी। ये सुपर ये छिलके के साथ क्यों काट दिया भैया? छिलका नहीं है तो क्या है? छिलका नहीं है तो क्या है, जरा बताओ मुझे। नहीं आपने मुझे बोला छिलका नहीं है तो क्या है? एडिबल खा सकते छिलका, पक्की बात। और आपको कैसे पता कि मैं धो के लाई थी या बिना धोए लाई थी? पका हुआ। देखो भाई अब मैंगो क्या, आज पहली बार मैं छिलके के साथ खा के दिखाऊंगी आपको।
So guys, ये देखिए भैया ने हमारे लिए तैयार कर दिया एकदम स्मॉलेस्ट चना जोर गरम। देखो देखो कितने छोटे से पैकेट में दिया है। अभी देखो टेस्ट टेस्टिंग की बारी। अभी भैया हम बताते हैं आपको कैसा बनाया आपने। पहले हम अपना घर से लाए। अरे 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 बाप रे, इतना छोटा, उसमें से भी गिर गया मेरा खाना। मैंगो टेस्ट करेंगे। बड़ी गजब की बनाई है भैया, इतनी स्वीट है ना, क्योंकि बहुत अच्छी बनाई है। एकदम मेरी तरह गोलू बोलू से भैया एकदम रोली बोली से बहुत अच्छी बनाई, सच में एकदम स्पाइसी चटकदार है। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और आज डिजर्ट में मैं कुछ अद्भुत खाने वाली हूँ। आज मैं खाऊंगी ये बर्फ की चुस्की, यानी कि आइस गोला। तो भैया ये कितने का दिया आपने? ये गोला बोलते हो ना या चुस्की बोलते हो? 30 रुपीज़ का है। तो इस ग्लास में बनाओगे आप? 30 रुपए का गोला। तो अगर मुझे छोटा चाहिए तो बना दोगे? तो अच्छा पहले बताइए घंटी क्यों लगाई ऐसे? लोगों को बुलाने के लिए। मैं तो बिना घंटी के ही आ गई। गाइस उन्होंने घंटी नहीं बजाई तो भी मैं आ गई इनके पास। अच्छा वैसे चलो मैं आपको एक चीज देती हूँ, अगर मैं इसमें आइस गोला बनवाना चाहूँ तो आप बना दोगे? प्लीज बना दो ना भैया, प्लीज बना दो ना। बर्फ ही तो ठक 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 जमा के वो रंग बिरंगे शरबत डाल देना प्लीज। मजा नहीं आएगा। मजा मैं ले लूंगी, आप मजे की टेंशन मत लो। देखो मजा हम ले लेंगे भैया। आप बर्फ घिसना चालू करो, मैं बताती हूँ आप कैसे बनाना। बस 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 इतनी बर्फ हो जाएगी। अभी आप हमारे गिलास में, मतलब मेरी कटोरी में डालिए। एकदम दबा देना कसके कसके जमा के एकदम। ये देखो कितनी बढ़िया बर्फ जमाई है भैया ने। रंग बिरंगे और भी डाल। कुछ काला पीला डाल दो, हरा डालो, हरा सही है, सही। बस 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 ये तो बड़ा रंगीन टाइप का बन गया। बस भैया बस बस, अच्छा डाल दो काला खट्टा, डालो काला खट्टा तो हमें पर्सनली पसंद है। बस 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 अब दे दो, अब दे दो, इससे पहले पूरी बर्फ पिघल जाए अब दे दो भैया, दे दो। ये देखिए गाइस ये हमारा गोला बना है। अरे ये देखो, ये आ गया गोला। ये देखो कितना अच्छा गोला बना है, हमारी मेहनत भी लगी है इसमें। तो आई होप भाई आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मुझे तो बड़ा मजा आया स्मॉलेस्ट फूड चैलेंज करने में। और भाई अगर अच्छा लगा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो गाइस। अब मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। बाय, लेट मी एंजॉय माय गोला।